સેલવાસના નવનિયુક્ત કલેક્ટર સંદીપસિંહે રેડક્રોસ સંચાલિત બ્લડ બેંક તથા દિવ્યાંગ સ્કૂલની મુલાકાત લઈ કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી. નવનિયુક્ત કલેક્ટર સંદીપસિંહ તેમના હોદ્દાની રૂહે રેડક્રોસના ચેરમેન હોવાથી તેમને નિયુક્તિ બાદ પહેલી વખત રેડક્રોસ સંચાલિત બ્લડ બેંક તથા દિવ્યાંગ સ્કૂલની મુલાકાત લઈ પ્રવૃત્તિ નિહાળી હતી. જ્યારે કલેક્ટર સંદીપસિંહ દ્વારા દિવ્યાંગોને ટ્રાયસિકલ તથા વિકલાંગ કીટ સહિતના સાધનો આપવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે કલેક્ટરે રેડક્રોસ ભવનની મુલાકાત લઈ દવાખાનું અને બ્લડ બેંકનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. तो इसीलिए मैं जितने भी पेरेंट्स आए हैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा है और हमारे जो टीचर्स हैं उनका अथक प्रयास, अथक मेहनत और उनका फुल डेडिकेशन जो है, जो बच्चे हैं हमारे, उन्हें एक ऐसे लेवल पर ले जाएंगे जहाँ पर किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी. हम सभी अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि कुछ ना कुछ खामियां, प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों में, लेकिन कई बार चीजें नजदीक में ना आने की वजह से उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है, प्रॉब्लम का निपटारा करने वाला नहीं हो पाता है. तो जो एक व्यवस्था हमारे यहाँ पर सिलवासा में है, आपके आस पास में कहीं पर भी कोई ऐसे जानकारी मिले किसी के बारे में किसी तरह की डिसेबिलिटी है, ठीक क्या कहना है, तो आप उन्हें हमारे इस केंद्र पर रेफर कर सकते हैं. जो हमारे नए समर्था हैं यहाँ पर दादरा नगर हवेली के, श्री संदीप कुमार सिंह जी ने यहाँ पर उपस्थित हुए, उनकी विजिट थी हमारे जो रेड क्रॉस की गतिविधियाँ देखने के लिए. पहले ब्लड बैंक गए और दूसरी जगह फिर मोबाइल डिस्पेंसरी का ऑफिस या चाइल्ड लाइन या वोमेन हेल्पलाइन का या सप्लीमेंट्री डाइट के प्रोग्राम्स का जायजा लिया. और इसके बाद में ये जो हमारा रेड क्रॉस का डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर है और जो रेड क्रॉस स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन है, यहाँ पर इन्होंने विजिट किया. विजिट करने के बाद में काफ़ी बच्चों की गतिविधियाँ देख के और जो यहाँ पर जो रात की सर्विसेज हम दे रहे हैं, काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले टाइम में हमारा और सहयोग करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रहेगा. इसमें आज का जो मेन प्रोग्राम था कि जो एडिप स्कीम के नीचे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम चलती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड एंड अप्लाइंसेस टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो वो प्रोग्राम हमने रखा हुआ था. तो उसके लिए जो उपकरण थे हमारे पास में लिम्को से आए थे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली रिटार्डेड जो है वो सिकंदराबाद से आए थे. तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आज का मेन प्रोग्राम था, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है ताकि जितने भी विकलांग भाई बहन हैं उनको राहत का सामान दिया जाए, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हों, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए उपकरण हों, या फिर प्रोस्थेटिस या ऑर्थेटिस्ट हों, या फिर कैलिपर्स वगैरह, व्हील चेयर्स वगैरह, जो भी सामान की जरूरत पड़े जिस उसके नीड के मुताबिक यहाँ पर जैसे हमारी वर्कशॉप में बनाए भी जाते हैं और उनका वितरण किया गया उनके कर कमलों द्वारा. और एक बहुत ही हमको राहत होती है, मतलब अच्छा लगता है जब कोई सीनियर डिग्निटरीज वगैरह यहाँ पर आते हैं तो, और हमको और प्रेरणा मिलती है. और मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे निवासी हैं दादरा नगर हवेली के, वो कोशिश करें और जहाँ पर भी कोई डिसेबल या विकलांग भाई बहन नज़र आते हैं या उनके माँ बाप जो हैं, तो जो ये संस्था हमारी चल रही है डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर और स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन है, इससे लाभ उठा सकते हैं. वो एक यहाँ पर आने के बाद में उनके पुनर्वास हो सकता है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं.